तो गाइज ये वीडियो आपके लिए होने वाले कुछ खास, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है टैबलेट के अंदर तो आपका इंटरनेट कैसे वर्क करेगा और कैसे आप इंटरनेट चला सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो एक अपडेटेड टैबलेट है और इसके अंदर इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा है। अपडेट कैसे है, ये एंड्रॉइड 12 अपडेट है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको ये भी पता होगा कि अपडेट कैसे देख सकते हैं। हम आई बटन पर क्लिक करते हैं, सेटिंग पे क्लिक करते हैं, वाईफाई पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड नेटवर्क पे क्लिक करके प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के लिए ऐड नेटवर्क में आपको play.google.com सर्च करना है, उसे प्रेस करना है और ओपन विद प्ले स्टोर कर लेना है। देन उसके बाद आपको इस आइकन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करके ऐप प्राइवेसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नो यूज्ड एप्लीकेशन आपको शो जाएगी। तो ये एक अपडेटेड टैबलेट है, इतना आपको पता चल गया। दोबारा हम आएंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक कर देंगे। हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एक ऑप्शन ओपन होगा डिलीट डिसेबल का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद भी आपका नीचे की तरफ एक और आइकन आएगा, सॉरी आइकन नहीं, एक ऑप्शन ओपन होगा। इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये डिलीट एप्लीकेशन, मतलब ये आपके टैबलेट के अंदर नीचे की तरफ आप जाओगे ना, जैसे कि नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे टैप टू गो एप्लीकेशन सेटिंग मिलेगी, इस पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे सैमसंग ऐप सेटिंग्स आप मिलेगी, सैमसंग ऐप सेटिंग पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्विक शेयर आपको मिलेगा, क्विक शेयर पे आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको पीछे की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिमूव एनिमिनेशन का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी में सर्च का ऑप्शन मिलेगा, आपको सर्च कर देना है रीसेट। तो यहाँ पे है देखने वाली बात, आपको जो करना है मैं बता रहा हूँ, आपको रीसेट सर्च कर देना है और रीसेट पे क्लिक कर देना है। रीसेट पे क्लिक करोगे नीचे की तरफ रीसेट आएगा और यहाँ पे आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक कर देना है। रीसेट नेटवर्क सेटिंग क्लिक करोगे, यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर देना है। सिंपली आप अगर यहाँ पर जब रीसेट पे क्लिक करोगे तो आपका जो है टैबलेट का नेटवर्क सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगा और रीसेट होने के बाद यहाँ पे आपका इंटरनेट फटाफट से चलने लग जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, अब यहाँ पे 4G आपका आ चुका है और आपका इंटरनेट एक्सेस आपको मिल चुका है। तो साथियों ये थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहती है और ऐसी नॉलेजेबल आपको वीडियो आती रहेगी। तो वीडियो को सबका